Hello friends and dear students, today I am going to teach you about WAMP server. This lecture is useful for PG diploma in web designing, computer science and IT students. So let's see what we are going to study in this lecture. First is the introduction, that is what is a WAMP server, how to install WAMP, isko install kaise karte hain, कंट्रोल पैनल ऑफ वैम, डायरेक्टरीज कौन कौन सी डायरेक्टरीज होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं एक वैम सर्वर का, कैसे हम वैम सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं और एट लास्ट वैम को यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं. सो वैम बेसिकली स्टैंड्स फॉर विंडोज अपाचे माई एसक्यूएल एंड पीएचपी. विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि आप सभी जानते हो. वैम्प स्टैक एक सॉफ्टवेयर बंडल होता है जिसमें अपाचे जो कि एक वेब सर्वर है, MySQL एक डेटाबेस तथा PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है. वैम्प स्टैक वेब डेवलपमेंट तथा इंटरनल टेस्टिंग के लिए बेसिकली यूज होता है, लेकिन प्रोडक्शन सर्वर्स में भी हम इसको यूज कर सकते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वैम्प इज अपाचे. अपाचे एक वेब सर्वर है. लोकल विंडोज मशीन पर वेब सर्वर रन करने से डेवलपर्स अपने वेब पेजेस की वेब ब्राउजर में टेस्टिंग कर सकते हैं, उसको इंटरनेट पे लाइव किए बिना. लोकली जो भी वेबसाइट डेवलप करते हैं उसको टेस्टिंग के लिए आपके पास अपाचे वेब सर्वर अवेलेबल होता है. डायनेमिक वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो कि MySQL एंड PHP. MySQL की जगह आजकल MariaDB तथा PHP की जगह पाइथन और पर्ल का भी उपयोग होता है. अपाचे, PHP तथा MySQL सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें हम इंडिविजुअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं. वैम्प स्टैक से सभी यानी एम्प कंपोनेंट्स जैसे कि अपाचे, MySQL और PHP बंडल को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर इजीली यूजर फ्रेंडली वे में इंस्टॉल या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. वैम्प के अलावा, वैम्प तो बेसिकली पैकेज हो गया जिसमें कि एम्प कंपोनेंट्स विंडोज के ऊपर रन करते हैं. इसके अलावा इसके दूसरे वेरिएशंस हैं जो कि जैसे कि लैम्प जिसमें एम्प कंपोनेंट यानी कि अपाचे, MySQL और PHP लिनक्स के ऊपर वर्क करते हैं. MAMP इज़ फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड XAMPP. XAMPP में क्या होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है. एक XAMPP सर्वर को आप लिनक्स में भी यूज़ कर सकते हैं और विंडोज़ में भी यूज़ कर सकते हैं. अब हम देखते हैं हाउ टू इंस्टॉल WAMP ऑन विंडोज़. विंडोज़ में WAMP को कैसे इंस्टॉल करते हैं. स्टेप वन, सबसे पहले वैम सर्वर को डाउनलोड करेंगे जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, दी हुई है स्लाइड में, www.wampserver.com. इसके दो वर्जन होते हैं, फर्स्ट इज 64 बिट तथा 32 बिट, जिसे आप अपने कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन के अनुरूप डाउनलोड करेंगे. जो भी आपकी कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसी के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे और उसको डाउनलोड करेंगे. नेक्स्ट, जैसे ही आप डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एक पॉपअप अपीयर होगा जिसमें कुछ वार्निंग्स दी होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्लाइड में कुछ वार्निंग्स दी गई हैं, लेकिन आपको इन्हें इग्नोर करना है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द वार्निंग्स और डाउनलोड डायरेक्टली. यहाँ पे एक ये येलो कलर का अंडरलाइन सेकेंड लाइन में दिया हुआ है डाउनलोड डायरेक्टली लिंक, इस पर क्लिक करना है. इस पर क्लिक करने के बाद फिर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा. जैसे ही आप डाउनलोडेड फाइल पर क्लिक करते हैं एक विंडो अपीयर होती है लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए, जिसमें आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि दिया हुआ है यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट की गई है. इसके उपरांत नेक्स्ट स्क्रीन पर लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, राइट साइड वाले डायग्राम में दिखाया गया है.
Click on I accept the agreement radio button and then next button to continue with the installation. तो लाइसेंस को एग्री करें एंड आगे नेक्स्ट पे क्लिक करें इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू करने के लिए. इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन आपको वैम्प सर्वर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स को शो करती है. इस स्टेप का मेन पर्पस है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ का सुटेबल वर्जन चेक करना. जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन टू कंटिन्यू. इन स्टेप थ्री यहां इस स्टेप में आप सेलेक्ट करेंगे कि वैम्प को अपने कंप्यूटर में किस लोकेशन पर इंस्टॉल करना है, जिसमें आप डिफॉल्ट लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ सकते हैं या फिर लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं यूजिंग ब्राउज बटन. जैसे कि डिफॉल्ट लोकेशन दी हुई है C:\WAMP64. सी के अंदर WAMP64 नाम का फोल्डर ऑटोमेटिकली बन जाता है जिसके अंदर वैम्प इंस्टॉल होता है. अगर आपको सपोज इसे डी ड्राइव में इंस्टॉल करना है तो आप ब्राउज से जाकर डी ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं या उसके अंदर कोई फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं जहां से ये इंस्टॉल होगा. Then click on the next button. In step 4, select start menu folder to install WAMP. अब आपको start menu folder select करना है जिसमें कि प्रोग्राम का शॉर्टकट क्रिएट होता है. इसे भी आप बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं एंड इफ यू विश टू चेंज देन यू कैन चेंज द फोल्डर लोकेशन. फाइनली आपकी स्क्रीन पे रेडी टू इंस्टॉल विजर्ड आता है. जस्ट क्लिक ऑन द इंस्टॉल बटन टू बिगिन द इंस्टॉलेशन. जैसे ही आप इस पर इंस्टॉल को क्लिक करेंगे आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाता है. जैसे कि स्लाइड में आप देख सकते हैं ये आपको प्रोग्रेस बार शो है किया हुआ है जो कि ग्रीन कलर का बार है. जैसे ही ये कंप्लीट होता है इट मींस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है. इसे नेक्स्ट स्क्रीन में आपके पास इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की गई है जिसमें आपको सम एक्सप्लेनेशन ऑन हाउ वैम सर्वर वर्क्स. इसमें आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे एंड वैम्प इंस्टॉलेशन इज कम्प्लीट. फाइनली आपके पास मैसेज आएगा कम्प्लीटिंग द वैम्प सर्वर 64 सेटअप विजार्ड. यू विल क्लिक फिनिश. दैट्स ऑल. योर वैम्प सर्वर इज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली. नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सेक्शन वैम्प कंट्रोल पैनल. एक बार जब वैम्प सर्वर आपका इंस्टॉल हो गया देन आप उसको क्लिक करेंगे ओपन करेंगे तो एक कंट्रोल पैनल ओपन होता है. दिस इज द बेसिकली ट्रे आइकन जो कि आपके राइट साइड में एक ट्रे की फॉर्म में ओपन हो जाती है. ऑल कॉन्फ़िगरेशंस आर देयर. PHP अपाचे एंड MySQL चेक कर सकते हैं आप. इसमें फोल्डर्स शो किए हुए हैं अपाचे PHP MySQL. इसके अलावा लोकल होस्ट के लिए लिंक है PHP MyAdmin. आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं. आप अपनी WWW डायरेक्ट्री डॉक्यूमेंट रूट डायरेक्टरी ये सब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी क्या होता है. इसको ओपन कर सकते हैं. डिबगिंग के ऑप्शन दिए हुए हैं क्लाइंट एक्सडिबग और वेब ग्राइंड. उसके अलावा क्विक एडमिन जैसे कि स्टार्ट ऑल सर्विसेज स्टॉप ऑल सर्विसेज एंड रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज. इफ द आइकन इज ग्रीन द सर्विसेज आर अप एंड रनिंग. जैसे ही सर्विसेज सारी अप होती हैं तो आइकन ग्रीन हो जाता है. अब देखते हैं वैम्प डायरेक्टरी क्या होती है. लेट्स हैव द डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी. जो डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी होती है वो C:\WAMP. द डायरेक्टरी ऑफ इंटरेस्ट इज WWW. नेक्स्ट है हमारी जिसमें हम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं एज ए वेब डेवलपर वो है WWW डायरेक्टरी. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेब रूट और डॉक्यूमेंट रूट.
ये वेब रूट कहलाती है या इसको डॉक्यूमेंट रूट भी कहते हैं। पीएचपी फाइल्स आर पुट इन द वेब रूट। बेसिकली जो पीएचपी फाइल्स होती हैं वो सब वेब रूट के अंदर होती हैं, और एक डेवलपर अपनी वेबसाइट को भी वेब रूट या डॉक्यूमेंट रूट के अंदर ही स्टोर करता है। सी कॉलन स्लैश वैम्प स्लैश www मैप्स टू http कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट। इसे एक्सेस करने के लिए लोकल होस्ट आप वेब ब्राउजर पर लिखेंगे, वेब ब्राउजर पर, एंड ये डायरेक्टरी उससे मैप होती है और उसमें स्टोर जो पेजेस होते हैं वहाँ से एक्सेस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी कॉलन स्लैश वैम्प स्लैश www के अंदर पॉली स्लैश होम पेज डॉट php मैप्स टू, यानी कि www के अंदर एक फोल्डर है पॉली जिसके अंदर होम पेज डॉट php आपका स्टोर है जो कि मैप्ड है किससे, http कॉलन लोकल होस्ट स्लैश पॉली स्लैश होम पेज डॉट php। आप ब्राउजर पे जब लिखेंगे तो वहाँ स्टोर वेब पेज आपका ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। यहाँ आप ये चेक कर सकते हैं जो फाइल यूज की गई है, फाइल नेम वो होम पेज डॉट php है। अगर ये स्पेसिफाई नहीं करते हैं, डायरेक्ट लोकल होस्ट से आप एक्सेस करते हैं, तो अपाचे ऑटोमेटिकली इंडेक्स डॉट php को सर्च करता है, ठीक है, और उसका इंडेक्स डॉट php पेज ओपन हो जाता है। डॉक्यूमेंट रूट कैन आल्सो बी कॉन्फ़िगर्ड। डॉक्यूमेंट रूट को भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जिसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस करने होते हैं। उसको एक्सेस करने के लिए गो टू मेन्यू अपाचे एंड httpd.conf, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। इसके अंदर सर्च फॉर डॉक्यूमेंट रूट एंड चेंज इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स। जैसे कि डॉक्यूमेंट रूट ज़रूरी नहीं www फोल्डर ही हो, अगर आप किसी दूसरे फोल्डर को डॉक्यूमेंट रूट बनाना चाहते हैं, समटाइम्स इट इज़ डन फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, क्योंकि सभी को पता होता है कि www इज़ द फोल्डर डॉक्यूमेंट रूट यूज एज ए डॉक्यूमेंट रूट, तो अगर उसे चेंज करना है तो आप उसको की सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके चेंज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। देर आर थ्री मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। फर्स्ट इज httpd.conf। दिस इज टेक्स्ट फाइल विद अपाचे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस। अपाचे रिलेटेड यानी वेब सर्वर रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो इस फाइल में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट रूट की कॉन्फ़िगरेशन, पोर्ट फॉर http लिसनिंग। http लिसनिंग के लिए पोर्ट स्पेसिफाई किया जाता है। आप सिक्योरिटी रीजंस से पोर्ट भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको अपने सर्वर को हार्डन करना है। सेकेंड इज php.ini। दिस इज अ टेक्स्ट फाइल विद php रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन। php रिलेटेड जितने भी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वो php.ini फाइल के अंदर होती हैं। दैट इज शॉर्ट टैग्स अपलोड फाइल साइज एट्सेट्रा। जो आपके फाइल साइज है जो आप वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हो, उसका फाइल साइज अगर आपको चेंज करना है या कुछ लिमिट रखनी है, या फिर आपके टैग्स, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगरेशन जो कि php रिलेटेड होती हैं। थर्ड वन इज़ my.ini। दिस इज MySQL रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज़ पासवर्ड क्वेरी बफर्स और कैश। ये सब सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशंस my.ini के अंदर होती हैं। नेक्स्ट इज़ हाउ टू अनइंस्टॉल वैम्प। अगर आप वैम्प सर्वर को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, गो टू एड और रिमूव प्रोग्राम्स, देन वैम्प सर्वर, एंड देन सिंपली रिमूव इट। अब हम देखते हैं कि वैम्प को यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं। बेसिकली एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको अलग अलग अपाचे MySQL php इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये सब ओपन सोर्स प्रोग्राम्स होते हैं और इसको इंडिविजुअली भी आप इंस्टॉल करके और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट यहाँ आपको पूरा बंडल एक साथ मिल रहा है और बहुत ईजी है इसको इंस्टॉल करना। तो सबसे इसका जो है लार्जेस्ट बेनिफिट है, इट इज़ ईजी। सेकेंड, द वैम्प स्टैक कम्स विद। इसके अलावा वैम्प के साथ जो एडिशनल आपके लिए टूल्स हैं वो हैं एक्स डिबग। दिस इज़ द टूल फॉर php डिबगिंग। php रिलेटेड डिबगिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है।
PHP MyAdmin, a web tool for administrating MySQL database. MySQL database को administration करने के लिए आपको provide होता है PHP MyAdmin, जो एक बहुत ही useful utility है, जो कि एक web based tool है, इसमें easily GUI के through आप web database create कर सकते हैं, उसमें editing कर सकते हैं, ठीक है? Database related सारे operations आप graphical user interface के माध्यम से कर सकते हैं. Third is WebGrind. This is profiling tool for PHP. PHP profiling के लिए use होता है. तो ये सब benefits हैं. In my next lecture, I will discuss about the LAMP and XAMPP stack.